कीचड़ में फंस गई है दलदल में। ट्रैक छेटी बंद हो गई, स्कूटी भी बंद हो गई, ट्रैक भीग गया। ओ शिट, देखो सच में लग रहा अभी सांप की टेंशन है मुझे। होनी तो चाहिए, ज्यादा ही एडवेंचर हो गया यार। तो आप लोगों ने बटरफ्लाई बीच के बारे में तो बहुत सुना होगा, साउथ गोवा में एक बहुत ही हिडन प्लेस है ये, और कहते हैं बहुत ही खूबसूरत है ये बीच, एकदम क्राउडेड नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है, क्लीन है। तो आज हम बटरफ्लाई बीच जाने वाले हैं फ्रॉम पालोलेम, और देखते हैं क्या जैसे लोग बोलते हैं सच में ऐसा है भी या नहीं। तो बटरफ्लाई बीच जाने के वैसे तीन रास्ते हैं, एक रास्ता तो हमारे लिए बिल्कुल बंद है जो कि है बोट से जाने का, क्योंकि अभी रेनी सीजन है तो वेव्स का कितना ज़्यादा हाई टाइड चल रहा है, इस वजह से बोट तो अभी नहीं चल रही है। दूसरा रास्ता है अगोंडा बीच से, एंड एक रास्ता है पालोलेम से। हम पालोलेम पे स्टे कर रहे हैं, तो मैं दिखाने वाली हूँ पालोलेम से बटरफ्लाई बीच तक का पूरा रास्ता। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये रास्ता है जो पूरा बटरफ्लाई बीच तक जा रहा है, और मुझे शायद थोड़ा थोड़ा पानी की आवाज ही आ रही है, बहुत ज्यादा खराब हो रखा है रास्ता, बारिश हो रही है दो तीन दिन, पूरी रात बारिश हुई है। बट ऐसा नहीं है कि रास्ता बहुत खराब है, कोला बीच वाला जो रास्ता था उससे थोड़ा सा तो बेटर है अभी तक, बाकी इसके बाद जो मेन ऑफ रोडिंग स्टार्ट है वहाँ पे देखते हैं रास्ता कैसा रहने वाला है। स्पीड ज्यादा तेज नहीं कर रहा ना। हाँ, एक और बात, अगर आते हो तो ट्राई के स्कूटी वही बंदा चलाए जिसको अच्छे से चलानी आती है, वरना बहुत दिक्कत होगी, बहुत स्कीट होगी, गिरने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि रास्ता सच में खराब है यहाँ पे। ये दो रास्ते आएंगे फिर से, वहाँ पे आप सामने देख सकते हो बटरफ्लाई बीच कैफे का बोर्ड लगा है, एंड यहाँ पे नीचे जाना है हमें। यहाँ पे नो पार्किंग का साइन लगा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आगे से किधर? सीधा। अभी इधर आने के बाद बटरफ्लाई कैफे आपको दिखेगा, आप अपनी फोर व्हीलर यहीं पे छोड़ सकते हो। बटरफ्लाई कैफे नहीं, कार लेके नहीं आ सकते भाई यहाँ पे? ये हम कहाँ जा रहे हैं मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर ही बोला, इधर कोई रास्ता है ही कहाँ आगे से दिखा हुआ है बटरफ्लाई बीच। कैसे जाएंगे इसे? जाना तो पड़ेगा, देखो कितना पानी भरा है यार, यहाँ से पानी और आ भी रहा है। भाई पैर देखो, मेरा पैर देखो, ज्यादा टूट गया यार, मेरा भी पैर गया। ट्रैक छेटी बंद हो गई, स्कूटी भी बंद हो गई, ट्रैक भीग गया, ज्यादा ही एडवेंचर हो गया यार। बता तो देता यार, यहाँ पे कोई जा ही नहीं सकते हम यहाँ से, तो कीचड़ में फंस गई है दलदल में। इसकी ऐसी तैसी, ठीक है बताना चाहिए था यार हम लोगों को। स्टार्ट हो जाए बस, हो गई। तो अब हमें 2 किलोमीटर पैदल जाना है बटरफ्लाई कैफे पे, हमने अपनी स्कूटी छोड़ दी है क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ है सब जगह। घास पे चलना तो अभी मैंने बात की थी बटरफ्लाई कैफे पे, पहले तो ये देख लो क्या झरने बह गए हैं यहाँ पे, वो लिखा बटरफ्लाई बीच यहाँ से 2 किलोमीटर है। हाँ, तो अभी मैंने बात की थी बटरफ्लाई कैफे पे, तो उन्होंने बोला यहाँ से एक जीप भी जाती है कैफे से ही, 250 रुपीज़ पर पर्सन में, और वहाँ पे आपको छोड़ देंगे, उसके बाद कॉल कर दो भाई आपको वापस पिक करने भी आएंगे। बट वो बीच स्टार्ट होती है 9:30-10 बजे तक, और अभी 8 बज रहे हैं, और हम ये छोटी सी नहर क्रॉस कर रहे हैं। छोटी बननी पड़ेगी ना, मैं दिक्कत हूँ देखे।
इसीलिए तो बोला उसने गाड़ी लेके आ जाओ। हमें लगा पता नहीं ऐसे ही बता रहे हैं कुछ, लेकिन आगे आके पता चला कि 100 रुपीज थे बाइक लेके जाने के, बाइक या स्कूटी लेके जाने के। तो वहाँ पे खड़ी थी, उन्होंने तब तक भी तुझे नहीं बताया? हाँ कुछ नहीं, चलो जाना तो है ही, कैसे भी रास्ता हो कुछ भी हो। यहाँ आके यहाँ पे पार्किंग है, कुछ 1.5 किलोमीटर हम आए होंगे, अब यहाँ से पैदल है रास्ता, तो ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे कोई स्कूटी कोई गाड़ी नहीं जा सकती है, यहाँ स्कूटी क्या 2 बंदे साथ में नहीं चल सकते, तो सब जगह पानी भर गया है। ओके सो फाइनली वी आर एट द बटरफ्लाई बीच, ओके सो दिस इज द बटरफ्लाई बीच। यहाँ पे आप ये शेप जो देख रहे हो, दिस इज द बटरफ्लाई शेप, दैट्स व्हाई इसका नाम बटरफ्लाई बीच है, बिल्कुल विंग्स की तरह ये दोनों लगते हैं आसपास के एरिया। एंड यहाँ पहुँचने का मैं पूरा रास्ता तो बताया है, एक बार और ठीक से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्कूटी लेके हम लोग यहाँ पे आए थे पालोलम से, और रास्ते में ये कट था जहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा था बटरफ्लाई बीच का, सीधा सीधा हम लोग वहाँ पे चलते गए। जब भी 2 रास्ते आए हमेशा नीचे वाला रास्ता लिया, ऊपर वाला नहीं। दूर जाऊँ वो ड्रोन शॉट ले रहे हैं वहाँ पे। हाँ फिर उसके बाद हम आगे पहुँचे तो वहाँ पे था बटरफ्लाई कैफे, जहाँ मैंने उनसे पूछा कि स्कूटी लेके आगे जा सकते, उन्होंने बोल दिया कि हाँ जा सकते, बट आगे जाके मैं रियलाइज हुआ वहाँ पे पानी बहुत डीप था। देन हम स्कूटी वापस लेके आ गए, हम स्कूटी फंस गई थी एज एज यू ऑल नो। और फिर क्या बता, हाँ फिर हमने स्कूटी वहाँ पे पार्क कर दी, पैदल जाने लगे। फिर हम लोग चले थे मुश्किल से कुछ 300-400 मीटर थोड़े दूसरे रास्ते से, वहाँ पे एक अंकल दिखे, उन्होंने बोला कि यहाँ से स्कूटी जा सकती है और 2 किलोमीटर का रास्ता है, आपको दूर पड़ेगा व्हाटएवर। तो फिर वापस गए, शायद 100-200 मीटर ही हुआ था यहाँ, 400 भी नहीं, तो वापस गए, ऋतुराज गया स्कूटी लेके आया। एंड देन हमें रियलाइज़ हुआ वो अंकल ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि स्कूटी लेके जाने के वो हमसे 100 रुपये लेते हैं, दोनों ने हमें पहले नहीं बताया, बट फिर भी हमने दे दिया कि कोई नहीं यार 2 किलोमीटर चल के जाना है। फिर हम मुश्किल से 1.7 किलोमीटर चल के आए होंगे, उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि आगे स्कूटी नहीं जा सकती है। बहुत ही एकदम छोटा सा रास्ता था, स्टेयर्स टाइप बनी थी, वहाँ से नीचे नीचे उतर के हम लोग आए, देन फाइनली ये बीच आ गया। अब आप लोग बताओ इतनी मेहनत का ये बीच वर्थ है या नहीं, कमेंट में बताओ। ये हमारा ड्रोन और वो रहा हमारा ड्रोन पायलट। दिस वॉज द बटरफ्लाई बीच, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट खाली हो गया है, ऑलमोस्ट क्या खाली ही हो गया, कोई नहीं है। और यहाँ पे क्रैब्स भी हैं, अभी मेरे को बहुत बड़े बड़े क्रैब्स दिखे थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गए, अब नहीं मिल रहे यार। तो अब जहाँ से आए थे वहीं पे वापस जाना है, बस पानी के अंदर नहाई मैं आज बहुत दिन बाद, देख सकते हो यार कितना ऊपर पानी आ रहा है ना, ये अभी यहाँ तक था यहाँ पर, और मैं यहीं बैठी थी जब पानी आया, पूरा भिगा दिया मुझे। वहाँ से पानी आ रहा है और छोटा सा लगून टाइप बन गया है तो बीच से जाके कनेक्ट हो रहा है वहाँ पे। ओके सो दैट वाज इट इन टुडेस व्लॉग, ऐसा ही सेम वीडियो मैंने कोला बीच के लिए भी बनाया हुआ है, जिसमें मैंने पूरी गाइड बताई है कैसे पहुँचना है कायकिंग के लिए वहाँ पे, एंड कितना अच्छा दिखता है वो बीच, तो एक तो वहाँ से सनसेट ना क्लिफ से तो अमेजिंग, तो वो वीडियो भी जाके देख लो। एंड सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फ्रॉम गोवा।